करीब 1 साल होने को है एंड मैंने अभी तक चेन्नई के सारे व्लॉग्स अपलोड नहीं किए हैं, और आज जब मैं गैलरी देख रही थी तब मुझे ये सारे वीडियोस मिले, सो आई थॉट कि एटलीस्ट मरीना बीच वाला व्लॉग तो आज शेयर करते ही हैं। हेलो एवरीवन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम द मरीना बीच इन चेन्नई। एंड हम लोग अभी बीच की तरफ जा रहे हैं, करीब 15 मिनट से चले जा रहे हैं, अभी तक पहुँचे नहीं है, प्लस मैं इतनी स्लोली चल रही हूँ, बहुत टाइम लग रहा है। सो आज शाम को हमारी ट्रेन है, और हॉस्पिटल के चक्कर में कहीं जाना नहीं हुआ ऑब्वियसली, ऑपरेशन ये सब के चक्कर में। सो पापा मम्मी दोनों का मन था कि हम दोनों को मरीना बीच एटलीस्ट दिखाएंगे, बिकॉज कहीं भी जा नहीं पाए। एंड भाई बेचारा आया था घूमने के लिए, उसे थोड़े पता हॉस्पिटल के काम वगैरह, तो इसलिए आज सुबह आए हैं हम लोग, करीब सुबह 4 बजे से पापा हम सबको बुला रहे हैं, मतलब नींद से उठा रहे थे ताकि हम लोग आ पाए। एंड अभी फाइनली 7 बजे हम लोग पहुँच जाएंगे अभी बीच में, लाइक मोर 5 to 10 मिनट्स इट विल टेक। और धूप ऑलरेडी आ चुकी है, सनराइज तो ऑब्वियसली बहुत पहले हो चुका है। वहाँ से एक प्लेन जा रहा है, दैट वन। मैंने यहाँ पे नोटिस किया है कि सारे फ्लाइट्स जो है ना वो लोग बीच की तरफ से थोड़ा घुमा के लेके जाते, मे बी दे वॉन्ट कि आप लोग बीच देखो, क्यों हमारा फ्लाइट भी ऐसे हुआ एंड हर फ्लाइट ऐसा ही होता है। वो लोग वहाँ चले गए, मैं यहाँ। दिस वॉज लिटरली द वे मैं उस टाइम पे चलती थी, आप नोटिस कर सकते हो मैं थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा चल रही हूँ, बिकॉज पाइप के वजह से मैं चल नहीं पाती थी। आई शॉट तू मोदितिका, ये इंसान हमेशा कपल टाइम के बीच में आ जाता है ये इंसान। मुझे ना बेसिकली पानी से बहुत डर लगता है, एंड समंदर में जो साउंड आता रहता है उससे और भी ज्यादा डरती हूँ मैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं एकदम साइड में ही थी, एंड भाई यहाँ पे बैग वैग सब ठीक कर रहे बिकॉज वेव्स आ रहे थे, एंड मुझे मम्मी एक्चुअली सामने भी नहीं जाने दे रही थी क्योंकि मैं बैलेंस नहीं कर पाऊंगी। और वहां पे भाई को मिला एक गणपति बप्पा, विच इज लाइक वी फील सो लक्की फॉर दिस। एंड कहते हैं समुंदर से कुछ लेना नहीं चाहिए, बट पापा खुद आए हैं तो हम उन्हें रिटर्न नहीं कर सकते। एंड पापा ने अभी ये गणपति की मूर्ति हमारे दुकान में रखी है, एंड ही थिंक्स दैट इट इज लक्की फॉर अस। थोड़े टाइम हम वहाँ पे रहे, देन गणपति पापा को लेके उनका आशीर्वाद लेके हम रिटर्न आ रहे थे। एंड जैसे ही हम लोग रिटर्न आ रहे थे ना, धूप इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, मेरे लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था चलना।